जन्म जन्म तो तू ही मेरे पास जन्म। मम्मा कॉफी बना दो ना प्लीज। कॉफी? शर्मा जी की बेटी ने कल शर्मा जी को केक बना के खिलाया था। और तुम? वैसे रिजल्ट आने वाला था ना तुम्हारा, कितने परसेंट आए? 96.2। शर्मा जी की बेटी को 96.8% आए हैं और दिल्ली में उसे बहुत ही अच्छा कॉलेज मिला है। और तुम्हारे कॉलेज का किसी ने नाम भी सुना है क्या? सब्जी के साथ मैंने हरा धनिया लाने को बोला था ना, ओह मैं भूल गई। भूल गई? सेल्फी लेना तो कैसे नहीं भूलती तुम, और मेकअप करना कैसे नहीं भूलती, और खाना खाना कैसे नहीं भूलती बताओ। अच्छा ठीक है सॉरी, अब मुझे टीवी देखने दो। इधर दो, मेरे सीरियल का वक्त हो रहा है। कहाँ जा रही हो? किसके साथ? कैसे जा रही हो? अपने भाई को भी साथ में लेके जाना। वापस कैसे आओगी? सबका नंबर चाहिए मुझे, सारे फ्रेंड्स का, मोबाइल भी और लैंडलाइन भी दोनों। और वैसे लगता नहीं है आजकल तुम कुछ ज़्यादा ही घूम रही हो अपने फ्रेंड्स के साथ? ये लास्ट टाइम है और अब एग्जाम्स आ रहे हैं, कल से घर पर बैठना, 15 घंटे की पढ़ाई चाहिए मुझे, ठीक है? बेटा कितने दिनों से नहीं आए हो? 1 हफ्ता। वाव वेरी गुड, आपने तो अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। अरे बेटा घुस जाओ टीवी के अंदर, बाहर मत निकलना ठीक है ना? बाहर की खुली हवा, धूप, पेड़ पौधे, इन सब से तो तुम्हें एलर्जी है ना, सड़ते रहो बेटा अंदर ही अंदर, ठीक है? हाँ नेहा, चिकन कितना टेस्टी था ना आज। और बता कैसी है तू? मैं तो बढ़िया हूँ। चल अब अगले ट्यूसडे मिलते हैं, अगले ट्यूसडे भी आज की जैसी पार्टी करेंगे, ओके? ठीक है बाय। आज ट्यूसडे है और तुमने चिकन खा लिया? तुम्हें पता है कि हर ट्यूसडे हमारे घर में हनुमान जी की पूजा होती है, मैं यहाँ हनुमान चालीसा पढ़ रही हूँ और तुम बाहर चिकन खा रही हो। पिछले ट्यूसडे भी तुमने बाल धो लिए थे और उससे पिछले ट्यूसडे को तुमने नेल्स कट किए थे। कितनी बार कहा है कि ट्यूसडेज को ऐसा मत किया करो, समझ नहीं आता क्या? क्या कर रहे हो बेटा? फ़ोन पे हो? तुम्हें नहीं लगता कि एग्ज़ाम्स आ गए हैं तो पढ़ लेना चाहिए? बेटा अभी 2 हफ्ते बाकी है और अगर आप अभी से शुरू कर दोगे ना तो मैं बता रही हूँ कि मतलब प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी हो जाएगी। आप क्या करो कि अभी से स्टार्ट करो, फिर बाद में आपको रिविज़न का टाइम भी मिलेगा और आप एक्स्ट्रा पेपर्स भी सॉल्व कर पाओगे। तुम्हें बेटा कभी लगता नहीं है कि भाई हाँ कि मैं क्लास में टॉप करूं या फिर मेरे मम्मी पापा को बहुत मेरे पे गर्व हो? तुम्हें क्या लगता होगा? तुम्हें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। अब मैं ये सब बोल रही हूँ, मैं अपने लिए तो बोल नहीं रही हूँ, मैं तुम्हारे लिए ही बोल रही हूँ। जो फ़ायदा होगा तुम्हारा ही होगा और नुकसान होगा तो वो भी तुम्हारा ही होगा। अच्छा चलो तुम्हें नहीं पढ़ना है तो कोई बात नहीं, एक्सरसाइज कर लो, योगा कर लो, कोई गेम्स खेल लो, अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखो बेटा। मुझे और कुछ नहीं बोलना, मेरे पास था भी नहीं कुछ बोलने के लिए, बस मैं इधर से जा रही थी तो सोचा उसे बोल दूँ कुछ। अब कर लो पढ़ाई। मेरे दिल में